जन्म हुआ इनका 16 जनवरी सन 1946 में। नाम कबीर बेदी। पहचानो इसे, ये किसका खून है? दरिंदा भी दरिंदा का खून नहीं करता, लेकिन इंसान, ये इंसानियत का खून है। और ये खून उस वक्त तक बहता रहेगा जब तक हम सब बुजदिल बने रहेंगे। हिंदुस्तानी टेलीविजन और फिल्मों में इन्होंने काम किया, तो वहीं विदेशी जमीन पर भी इन्होंने खूब नाम कमाया। चंगेजा अगर जुल्म का नाम है तो रवि जुल्म मिटा देने का ऐलान है। मैं चंगेजा के पास जाऊंगा यह बताने कि जालिम की मौत कितनी दर्दनाक होती है। इनके पिता बाबा प्यारे लाल सिंह बेदी एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इनकी माँ फ्रेडा बेदी जो कि एक ब्रिटिशर थीं। कबीर बेदी की पढ़ाई लिखाई हुई नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में और ग्रेजुएशन की इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से। कबीर बेदी ने शुरुआत तो की थी इंडियन थिएटर से ही और उसके बाद हिंदी फिल्मों में ये नजर आए और हॉलीवुड ड्रामा में भी। निकल जा मेरे घर से। निकल जाऊंगा, सिर्फ इतना बता दे कि 20 साल पहले गीता ने जिस पाप की पोटली को जन्म दिया था वो पाप कहां पनप रहा है? लड़का था या लड़की? नहीं बता। मैं वो बला हूं जिसका साया भी अर्थी पर पड़ जाए तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं, और तू तो अभी जिंदा है। बोल, वो हराम का पिल्ला कहां पनप रहा है बता। कबीर बेदी ने मुगल बादशाह शाहजहां का किरदार निभाया था। नाटक का नाम था ताज। जेम्स बॉन्ड की फिल्म ऑक्टोपसी में भी इन्होंने जबरदस्त किरदार निभाया था। नाम था उसका गोविंदा। राकेश रोशन साहब की फिल्म खून भरी मांग को कौन भूल सकता है और फराह खान की फिल्म मैहूना में भी जबरदस्त भूमिका में नजर आए थे। कबीर बेदी के चेहरे मोरे से वेस्ट की ऑडियंस ने इन्हें ज्यादा कबूला, जैसे कि फॉरबिडन टेरिटरी, ऑन विंग्स ऑफ ईगल्स और रेड ईगल। मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर तुमने मेरा हाथ पकड़ा था। हाथ पकड़ने से कोई किसी की पत्नी नहीं बन जाती। मुझसे पहले न जाने कितनों के हाथ पकड़े होंगे तुमने। राजन, मेरे बारे में ऐसी गंदी बात आइंदा अपनी जुबान पर मत लाना। मैंने सिवाय तुम्हारे किसी गैर मर्द की परछाई भी अपने ऊपर पड़ने नहीं दी। मैं नहीं मानता। अगर तुम मेरे बिस्तर की रौनक बन सकती हो तो मुझसे पहले न जाने कितने मर्दों के बिस्तर सजाए होंगे तुमने। बस करो। कबीर बेदी अपने काम के साथ साथ अपनी आवाज के लिए भी मशहूर हुए और साथ ही मशहूर हुए अपने रिश्तों के लिए। उड़ीसा नतांगना प्रतिमा बेदी से इनकी शादी हुई और इस शादी से इन्हें 2 बच्चे हुए, बेटी पूजा बेदी जो आगे जाकर मॉडल और एक्ट्रेस बनी और बेटा सिद्धार्थ। चूंकि सिद्धार्थ को स्किजोफ्रेनिया था और बहुत परेशान रहता था तो मात्र 26 बरस की उम्र में उसने आत्महत्या कर ली। प्रतिमा बेदी से भी ये अलग हो गए थे और हीरोइन परवीन बाबी के साथ इनका रिश्ता बहुत चर्चा में रहा। बाद में परवीन बाबी की हालत भी बिगड़ती रही और एक दिन ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इसका गहरा सदमा पहुंचा था परवीन बाबी पर। इसके बाद कबीर बेदी की शादी हुई ब्रिटेन की फैशन डिजाइनर सुजैन हम्फ्री से। इस शादी से इन्हें एक बेटा हुआ, नाम रखा एडम बेदी, जो कि आगे जाकर एक जबरदस्त मॉडल बना जिसने हिंदी फिल्मों में भी शुरुआत की थी। फिल्म का नाम था हेलो कौन है। इस शादी का अंजाम भी तल्लाक ही हुआ और उसके बाद टीवी और रेडियो प्रेजेंटर निकी बेदी से इनकी शादी हुई। इस शादी से कोई बच्चे तो नहीं हुए पर 2005 में ये शादी भी तलाक तक ही पहुंची। कबीर बेदी अपना काम तो करते रहे पर 70 साल की उम्र में एक बार फिर प्यार को इन्होंने शादी में तब्दील किया। 41 साल की महिला परवीन दोसांझ के साथ इनकी 4थी शादी हुई। यकीनन कबीर बेदी की पर्सनालिटी, कबीर बेदी का व्यक्तित्व, इनकी आवाज और इनके इर्द गिर्द घूमती कॉन्ट्रोवर्सीज ने इन्हें एक जबरदस्त सितारा जरूर बना दिया। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।